हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आर एल सीरीज सर्किट जैसे हमने बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टर देखा, pure inductor, pure देखा. है प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर देखा है प्योर रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट दोनों इन फेज होते हैं प्योर इंडक्टर में लैगिंग करंट होता है 90 डिग्री एंड प्योर कैपासीटर में लीडिंग करंट होता है नाइन्टी डिग्री करेक्ट सो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं रजिस्टर एंड इंडक्टर का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं so, सो सबसे पहले आएगा इसमें सर्किट डाइग्राम फर्स्ट सर्किट डायग्राम सो रेजिस्टर एंड इंडक्टर दोनों का सीरीज कनेक्शन आपको यहां पर यूज करना है रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है वी आर इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है वी एल एंड टोटल वोल्टेज यहां पर है वी टी सप्लाई वोल्टेज और सर्किट का टोटल करंट है आई टी एंड इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस जो है टोटल इंपीडेंस जो यहां पर आपको मिलेगा वो होगा जेड टी सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं सबसे पहले चेक करो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कितना है वी टी अब सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब यहां पर डिवाइड क्या होगा वोल्टेज डिवाइड होगा वी टी सप्लाई वोल्टेज दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है देखो एक है वी आर और एक है वी एल करंट डिवाइड नहीं हुआ है सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू सेम होता है सो so, यहाँ पर थ्री वोल्टेज है वी आर वी एल वी टी सो थ्री करंट्स भी आना चाहिए था आई आर आई एल एंड आई टी करेक्ट थ्री करंट्स आई आर आई एल एंड आई टी लेकिन ये तीनों करंट्स के वैल्यूज जो है ये इक्वल है बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट अब जैसे थ्री करंट्स है सो थ्री वोल्टेजेस आएंगे यहां पर वी आर वी एल एंड वी टी वी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा अगर ओम लॉ यूज करते हो तो वी आर इज टू क्या आर इन टू आई आर आएगा एंड वी टी इज इक्वल्स टू वॉट जेड टी इन टू आई टी आएगा है ना मैंने ओम्स लॉ यहां पर यूज किया है नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखते हैं फेजर डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है सो so, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस क्या लेंगे वोल्टेज एंड करंट दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को आपको रेफरेंस कंसीडर करना है सो so, यहां पर मैं करंट एज ए रेफरेंस ले रहा हूं क्यों क्योंकि रजिस्टर एंड इंडक्टर दोनों में से इक्वल करंट फ्लो रहा है करंट का वैल्यू सेम है सो यहां पर मैं करंट रेफरेंस ले रहा हूं सो so, करंट अगर मैं रेफरेंस लेता हूं दिस इज आई आर आई एल एंड आई टी सो करंट अगर मैं रेफरेंस लेता हूं तो चेक करो वी आर कहां पर आएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट दोनों क्वांटिटीज़ इन फेज होता है सो वी आर जो है वो आई आर के फेज में आएगा यहां पर आई आर के फेज में आएगा आई आर एंड वी आर दोनों क्वांटिटीज इन फेज होंगे क्स्ट वी एल प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है लैगिंग करंट होता है और लीडिंग वोल्टेज होता है लीडिंग वोल्टेज कितना डिग्री degree? 90 डिग्री सो वी एल जो है वो आपको वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ करना है जो कि आई एल को कैसा होगा लीडिंग होगा और कितना डिग्री लीडिंग होगा 90 डिग्री लीडिंग होगा करेक्ट नाइन्टी डिग्री लेकिन ये जो वी टी है ये कौन है वी आर और वी एल का एडिशन है अब यहां पर एडिशन करने जाओगे तो देखो ना वी आर का डायरेक्शन कहां पर है वी एल का डायरेक्शन कैसा है सो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है सो so, यहाँ पर आपको नॉर्मल एडिशन सिंपल एडिशन नहीं करना है यहाँ पर आपको वेक्टर एडिशन करना है सो वेक्टर एडिशन करने के लिए देखो क्या करेंगे यहां से वी आर को पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से वी एल को पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लोग ओरिजिन को कनेक्ट करेंगे सो so, ये मिलेगा हमें वी टी टोटल वोल्टेज एंड टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो होगा फाइव टी अब फाइव टी जो है फाइव टी ये एग्जैक्ट जीरो भी नहीं रहेगा एग्जैक्ट 90 भी नहीं रहेगा अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये फोर्टी फाइव डिग्री होगा जरूरी नहीं कि वो हमेशा फोर्टी फाइव डिग्री होना चाहिए वो हो भी सकता है मतलब वो मोर देन जीरो होगा और लेस देन नाइन्टी डिग्री होगा मोर देन जीरो लेस दैन नाइन्टी और फाइव टी अगर मोर देन जीरो लेस दैन नाइन्टी है तो पावर फैक्टर कितना आएगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाइव ना सो so, फाइव टी अगर मोर देन जीरो लेस दैन नाइन्टी है सो so फाइव टी सॉरी पी एफ ऑफ टी टोटल सर्किट का पावर फैक्टर कितना आएगा मोर दैन जीरो एंड लेस दैन वन आएगा एग्जैक्ट जीरो भी नहीं एग्जैक्ट वन भी नहीं और इस पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा लैगिंग नेचर होगा क्योंकि ये नेचर कौन डिसाइड करता है करंट डिसाइड करता है इसमें देखो ना टोटल करंट आई टी टोटल वोल्टेज वी टी को कैसा है लैगिंग है सो so, लैगिंग नेचर आएगा यहाँ पर क्लियर सो फेजर डायग्राम हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया अब इस फेजर डायग्राम में से मैं ये ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूं ये वाला ट्राइंगल मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं so, सो यहां पर मुझे वोल्टेज ट्राइंगल मिलेगा वोल्टेज ट्रायंगल देखो मैंने क्या किया ये वाला ट्रायंगल मैंने यहां पर सेलेक्ट किया इसी ट्रायंगल को क्यों सेलेक्ट किया ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने क्यों नहीं लिया जिस ट्रायंगल के अंदर आपको 5t दिख रहा है वो ट्रायंगल आपको लेना है सो 5t देखो ना ये वाले ट्रायंगल के अंदर है सो इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया ये है 5t अब इसमें बताओ 5t का एडजेसेंट साइड कौन है vr है का अपोजिट साइड कौन है ये वीएल है तो ये भी वीएल आएगा और इसका हाइपोडीनियस कौन है वी टी टोटल वोल्टेज सो ये हो गया आपका वोल्टेज ट्राइंगल अब इसको वोल्टेज ट्राइंगल ऐसा नाम क्यों दिया क्योंकि ट्राइंगल के तीनों साइड पर देखो ना आपको वोल्टेजेस दिख रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड टोटल वोल्टेज वी टी अब वोल्टेज ट्राइंगल से भी आप लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है फैक्टर ऑफ टोटल सर्किट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है cos phi t. And cos मतलब क्या 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 होता है? 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 इसका so, मिल गया आपको पावर फैक्टर सो जैसे आपने ये वोल्टेज ट्राइंगल बनाया यहां पर आप लोग इंपीडेंस ट्राइंगल भी बना सकते हो इंपीडेंस ट्राइंगल फोर्थ इज इम्पीडेंस ट्राइंगल सो इस इंपीडेंस ट्राइंगल में यह एंगल फाइव टी है यहां पर देखो वी आर है ना ये वी आर एंड वी आर इज इक्वल्स टू वट आर इंटू आई आर वी आर इज इक्वल्स टू आर इंटू आई आर Vl is equals to IL into XL एंड VT is equals to what ZT into IT अब ये तीनों में कॉमन चीज क्या है करंट कॉमन है आई आर आई एल एंड आई टी ये तीनों करंट के वैल्यूज इक्वल है सो so ये कॉमन चीज निकाल दो तो कौन बचेगा यहां पर कौन बचेगा फिर आर बचेगा ना यहां पर कौन बचेगा एक्सएल बचेगा और यहां पर फिर ZT बचेगा जेड टी सो यहां पर भी पावर फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो पावर फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा कॉस फाइव टी एंड कॉस मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस सो एडजेसेंट इज आर एंड हाइपोटेनियस इज जेड टी सो यहां से भी आप लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो सो so, ये हो गया आपका इंपिडेंस ट्राइंगल चलो अब इस इंपीडेंस का रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म देखते हैं फिफ्थ पॉइंट इज इंपीडेंस इंपीडेंस जेड टी नेक्स्ट अब इसमें देखो आ, एडज साइड है आर अपोजिट साइड है एक्सएल एंडियस टी सो जेड टी इज इक्वल रूट ऑफ आर स्क्र एंड टीवल अपॉन आर करेक्ट सो यहाँ पर जेड टी बार जो आएगा उसमें रियल पार्ट आएगा आर एंड इमेजनरी पार्ट आएगा एक्सेल रियल एंड इमेजनरी दोनों के बीच में आपको साइन कौन सा मिलेगा पॉजिटिव साइन मिलेगा क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट होता है पॉजिटिव इमेजनरी करेक्ट सो ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म Zt बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा Zt एंगल phi t अब रेक्टेंगुलर को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके एक वीडियो है उसमें क्लियरली uh, डिस्कस किया है देखो सो रेक्टेंगुलर को पोलार में अगर कन्वर्ट करना है मतलब ये जेड टी क्या है मैग्नीट्यूड एंड जेड टी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्र दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड फाइ टी इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्सेल अपॉन आर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट सो यहाँ पर भी देखो ना आपको फार्मूला मिल जाएगा फाइ टी का टेन इनवर्स ऑफ एक्सेल अपॉन आर करेक्ट स आर एल सर्किट में जो इंपिडेंस होता है उसमें रियल एंड इमेजनरी दोनों टर्म प्रेजेंट होता है और इमेजनरी जो है वो पॉजिटिव इमेजनरी होता है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस पॉजिटिव रिएक्टेंस होता है पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट चलो तो यहां पर हमने पांच पॉइंट्स कंप्लीट किए देखो सर्किट डायग्राम फिर उसके बाद फेजर फेजर डायग्राम नेक्स्ट वोल्टेज ट्राइंगल नेक्स्ट इज इंपीडेंस ट्राइंगल एंड फिफ्थ इज इम्पिडेंस अब नेक्स्ट है पावर लेकिन पावर के लिए सबसे पहले आपको वेव फॉर्म देखना पड़ेगा चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिक्स पॉइंट वेव फॉर्म सिक्स पॉइंट देखते हैं सो यहां पर हमने करंट एज ए रेफरेंस लिया था ना फेजर डायग्राम जब ड्रॉ किया था तब करंट हमने एज ए रेफरेंस लिया था सो करंट वेव जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एंड वोल्टेज जो था वो कैसा था लीडिंग था टोटल वोल्टेज जो है ये मैंने कौन सा करंट ड्रॉ किया है टोटल करंट ना अब टोटल वोल्टेज का वेव फॉर्म मुझे ड्रॉ करना है जो कि करंट को कैसा है लीडिंग है और कितना डिग्री लीडिंग है मोर देन जीरो लेस देन नाइन्टी सो यहाँ पर मैं वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि करंट को लीडिंग है ऐसे और दोनों के बीच में दोनों के दोनों वेब के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में फेज एंगल है फाइव फेज डिफरेंस है फाइ टी करेक्ट ये कौन सा वेब है वोल्टेज फॉर्मी अब ये वेब फॉर्म देख के आप लोग इसका स्टैंडर्ड साइनोसाइडल फॉर्म लिख सकते हो स्टैंडर्डोसाइडल फॉर्म V इज इक्वल्स टू क्या आएगा V साइन ओमेगा टी प्लस फाइन प्लस फाइव वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अब प्लस फाइव क्यों लिया क्योंकि वोल्टेज वेव फॉर्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिफोर ओरिजिन है बिफोर ओरिजिन है तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं आफ्टर ओरिजिन होता तो निगेटिव साइन लेते हैं सो नेक्स्ट वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया आई इज इक्वल टू क्या आएगा आई एम साइन ओमेगा टी आएगा यहाँ पर फेस डिफरेंस जीरो है क्योंकि करंट वेव जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है सो so, यहां पर फेज डिफरेंस जीरो चलो तो ये दो इक्वेशंस मिलने के बाद हम लोग अब पावर कैलकुलेट कर सकते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेवेंथ पॉइंट इज पावर 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 का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू वी आई पी इज इक्वल्स टू वी आई और V मतलब कौन सा V पुट करना है ये वाला वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ एंड आई इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है आई एम साइन ओमेगा टी करेक्ट चलो नेक्स्ट सो वी एम आई एम वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस इन साइन ओमेगा टी ये ऐसा आ गया ना अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग टू साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है yeah. तो आप लोग बोलेंगे कि यहां पर अरे टू किधर है तो टू लेके आते हैं हम लोग सो यहां पर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू आ गया ना अब टू सो टू साइन ए इंटू साइन बी तो ए का वैल्यू क्या हुआ ओमेगा टी प्लस फाइव बी का वैल्यू क्या हो गया ओमेगा टी सो so, यहां पर अगर अप्लाई करते हैं तो वी एम आई एम अपॉन टू इन टू क्या आएगा देखो कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी ए का वैल्यू क्या है ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज ओमेगा टी प्लस फाय प्लस ओमेगा टी अब इसमें ओमेगा टी ओमेगा टी कैंसिल होगा ओमेगा टी ओमेगा टी कैंसिल हुआ सो नेक्स्ट वी एम इज इक्वल्स टू क्या सॉरी पावर इज इक्वल्स टू क्या आएगा वी एम आई एम अपॉन टू यह आएगा कॉस फाइ माइनस ये क्या आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टू ओमेगा टी सो कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइ करेक्ट So, ये मिला मुझे देखो वी एम आई एम अपॉन टू इंटू कॉस फाइव इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी एम आई एम अपॉन टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव तो देखो यहां पर पावर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ एक पार्ट मिल गया हमें कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट। ये देखो ना ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है कांस्टेंट पार्ट है क्यों क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वाला पार्ट वेरी नहीं हो रहा है करेक्ट सो so, ये कौन सा पार्ट हुआ कांस्टेंट पार्ट और ये वाला कौन सा पार्ट है फ्लक्चुएटिंग पार्ट फ्लक्चुएटिंग पार्ट और फ्लक्चुएटिंग पार्ट है टाइम के ऊपर डिपेंड है ये और ध्यान से देखो यहां पर टू ओमेगा टी है टू ओमेगा टी मतलब वोल्टेज और करंट का जो फ्रीक्वेंसी है उसका डबल फ्रीक्वेंसी इस फ्लक्चुएटिंग पार्ट का है अब इससे क्या होगा ये सब हमने बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर में डिस्कस किया है सो यहाँ पर पावर का जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है उसका फ्रीक्वेंसी डबल मिल रहा है तो उससे क्या होगा देखो जब वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट करेगा तब पावर जो है वो दो साइकिल कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में पावर जो है वो दो साइकिल कंप्लीट करेगा मतलब देखो ऐसा आएगा आपका अगर वोल्टेज वेवफॉर्म ऐसा है करेक्ट सो so, आपका करंट वेव कैसा आएगा फिर ऐसा आएगा तो यहां पर हो क्या रहा है देखो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अगर सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं क्योंकि फुल साइकिल में क्या होता है सिमेट्रिकल है मतलब पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू दोनों इक्वल है और एवरेज वैल्यू के लिए अगर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंसिडर करेंगे तो आंसर तो हमेशा जीरो आएगा सो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं सो वोल्टेज का हम लोग हाफ साइकिल कंसिडर कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली पावर का फुल साइकिल कंसिडर हो रहा है पावर so का फुल साइकिल कंसीडर हो रहा है मतलब यहां पर एवरेज वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा तो ये जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट होता है ये हमेशा क्या होता है जीरो होता है जीरो चलो ये वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर P इज इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन टू कॉस फाइ आएगा तो चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं P इज इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन टू कॉस फाइ अब इसमें वीएम अपॉन रूट टू इंटू आई एम अपॉन रूट टू ऐसा लिख सकते हैं मैंने टू को डिवाइड किया देखो रूट टू इंटू रूट टू एंड वट इज वी एम अपॉन रूट टू मैक्सिमम वैल्यू को रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमें आर एम एस वैल्यू मिलता है तो पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया वी आर एम एस वैल्यू आई एम अपॉन रूट टू दैट इज आई सो पावर का फॉर्मूला मुझे यहां पर मिल गया पी इज टू वी आई कॉस और इसका यूनिट होता है वैट अगर किलो में लिखा तो ये किलो वैट हो जाएगा तो ये मिल गया मुझे एक्टिव पावर एक्चुअली और दो टाइप से इसमें आ, जैसे हमने वोल्टेज ट्राइंगल देखा इंपिडेंस ट्राइंगल देखा यहाँ पर आपको पावर ट्राइंगल भी देखना है सो so, पावर ट्राइंगल में देखो

और ये वी आई कौन से पावर का यूनिट होता है पावर का यूनिट होता है Apparent. अब इसका साइड आपको मिल गया P. So भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर सोजिट so साइड कैसे मिलेगा Sin hypodaneous. Hypodaneous तो है वी हम लोग क्या कहते हैं क्यू क्यू किसका सिंबल है रिएक्टिव पावर का रिएक्टिव पावर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से कैपिटल क्यू से सो so, यहां पर P इज इक्व टू क्या आएगा वी आई कॉस फाइव एंड Q इज इक्वल टू क्या आएगा वी आई साइन फाइव फाइव एंड एंड एस इज एपर एंड पावर सो एक्टिव पावर का फॉर्मूला है वी आई कॉस फाइव इसका यूनिट होता है वैट रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है वी आई साइन फाइव इज वी एर वोल्ड एम्पियर रियक्टिव एंड वी आई एपर पावर का यूनिट होता है वी ए फोल्ड एंड सो यहां पर हमने वोल्टेज ट्राइंगल देखा इंपिडेंस ट्राइंगल देखा एंड पावर ट्राइंगल देखा सो so, यहां पर हमने आर एल सर्किट के बारे में डिस्कस किया अब इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे स्टार्ट कर दें सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में आपको सर्किट डायग्राम दिया इसका मतलब प्रॉब्लम 50 परसेंट यही पर सॉल्व हो गया सो so क्वेश्चन है आपका फाइंड आर एंड एल स्मॉल आर एंड एल कैलकुलेट करना है सर्किट में देखो आपको दो रजिस्टर दिख रहा है उसमें से फर्स्ट का वैल्यू टेन ओम सेकेंड रजिस्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है एक्सेल लेकर आपने कैलकुलेट किया तो एल कैलकुलेट कर सकते हो सो so ये आर एल सीरीज सर्किट का क्वेश्चन है सप्लाई वोल्टेज इसका थर्टी सिक्स वोल्ट है और ये थर्टी सिक्स वोल्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है एक ट्वेंटी वोल्ट और एक ट्वेंटी पॉइंट फोर वोल्ट अब 20 वोल्ट जो है वो सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है एंड 20.4 पॉइंट वोल्ट जो वोल्टेज है वो आर एंड एल ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज है सो so, ये जो आर एंड एक्सेल आपको दिख रहा है इसको हम लोग कॉइल बोलेंगे कॉइलियर तो इसको मैं कॉइल नाम दे रहा हूं स्मॉल आर इज कॉइल रेजिस्टेंस एंड एक्सेल इज कॉइल रिएक्टेंस कॉइल या फिर इसको आप लोग इंडक्टिव कॉइल या फिर इम्प्योर इंडक्टर या फिर चोकिंग कॉइल कुछ भी नाम दे सकते हो इसको सो so, इसको मैंने नाम दिया कॉइल सो कॉइल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो होगा वी कॉइल करेक्ट वोल्टेज अक्रॉस कॉइल दिस इज ट्वेंटी वोल्ट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ओनली सो इसको मैं वी आर नाम दूंगा वी आर सो वी आर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वोल्ट टोटल वोल्टेज है वोल्टेज so, डिवाइड होता है ना सो so, आपके पास जितने नंबर ऑफ वोल्टेजेस है उतने पार्ट में आपको कैलकुलशन को डिवाइड करना है सो so, मेरे पास टोटल थ्री वोल्टेजेस है सो थ्री पार्ट में कैलकुलेशन को डिवाइड कर रहा हूं नेक्स्ट अब थ्री वोल्टेजेस है तो थ्री करंट होना चाहिए आई आर आई कॉइल आई टी लेकिन ये आई आर आई कॉइल आई टी तीनों वैल्यूज इक्वल है आई आर इज इक्वल्स टू आई कॉल इज इक्वल्स टू आई टी बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू इक्वल होता है वोल्टेज डिवाइड होता है ना क्लियर सो थ्री वोल्टेजेस हो गया थ्री करंट हो गया अब थ्री इंपीडेंसेस सो फर्स्ट इम्पीडेंस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव पार्ट सेकेंड होगा इंपीडेंस ऑफ कॉइल एंड थर्ड होगा इंपीडेंस ऑफ टोटल सर्किट सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपीडेंस इंपीड ऑफ प्योरली रेजिस्टिव पार्ट सो फर्स्ट इंपीडेंस ऑफ प्योर रेजिस्टिव पार्ट pure resistive part a pure resistive circuit mein impedance is equals to R hota hai Z is equals to R, so isko main Z R से denote kar raha Z R is equals to R aur value diya hai question mein 10 ohm, Z R is equals to R is equals to 10 ohm अब Z R आपके पास है, V R आपके पास है, so ohms law से I R calculate कर सकते हो सो होम्स लॉ जेड आर इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन आई आर एक्चुअली ये जो होम्स लॉ है ये आपका फ्रेंड है आप लोग आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो होम्स लॉ को याद करो होम्स लॉ आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा क्लियर सो जेड आर इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन आई आर वी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी आई आर इज इक्वल टू टेन सो सॉरी आई आर तो कैलकुलेट करना है सो so, इसको मैं आई आर इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन जेड आर ऐसा लिख सकता हूं करेक्ट वी आर अपॉन जेड आर वी आर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वोल्ट जेड आर इज इक्वल्स टू टेन सो आई आर आप कैलकुलेट कर सकते हो आई आर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन आई आर इज इक्वल टू टू एम्पिय नेक्स्ट आई आर आपने कैलकुलेट किया तो इसका मतलब आपको आई कॉइल एंड आई टी ये दोनों वैल्यूज मिल गया बिकॉज ऑफ सीरी सर्किट ये सभी करंट के वैल्यूज इक्वल है सो फर्स्ट पार्ट हमने यहां पर कंप्लीट किया इंपीडेंस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव पार्ट सेकेंड पार्ट है इम्पीडेंस ऑफ कॉइल सेकेंड पार्ट इज इंपीडेंस ऑफ कॉइल अब कॉइल में देखो रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है सो so, यहां पर आपको कॉइल का जो इम्पिडेंस लिखना है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो रियल पार्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है एंड इमेजनेरी पार्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्चुअली इमेजनेरी पार्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है सो so, यहां पर आपके सर्किट में कैपेसिटर तो है ही नहीं सिर्फ इंडक्टर है सो so, यहां पर क्या आएगा आर प्लस जे एक्सएल सो जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू इज़ इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स एल क्लियर दिस इज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म नेक्स्ट अब इसको पोलार में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका पोलार फॉर्म आएगा जेड कॉइल एंगल फाइ कॉइल दिस इज पोलार फॉर्म अब क्वेश्चन में देखो आर एक्स एल एक भी वैल्यू आपको दिया नहीं वो तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला सो so, एक्सेल अनोन है सो इसका पोलर फॉर्म भी अनोन है लेकिन पोलर फॉर्म में ये जो वैल्यू होता है Z इसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल फेज एंगल कैलकुलेट करना है फाइव कॉइल तो फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ एक्सेल अपॉन आर इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट अब एक भी वैल्यू हमें पता नहीं है एक्सेल अनो ने आर अन्नो ने अब क्या करेंगे अभी हम लोग मुसीबत में हैं। तो मुसीबत के टाइम हम लोग अपने फ्रेंड को बुलाते हैं दैट इज ओह स्लॉ को बुलाएंगे ओहम्स so, लॉ, Z कॉइल इज इक्वल्स टू V कॉइल अपॉन आई कॉइल

अब ये जेड कॉइल का वैल्यू यहां पर लिखो सो टेन पॉइंट टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायेयर नेक्स्ट अब राइट right साइड का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा टेन पॉइंट टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अब इसमें देखो दो अनोन है आर अनोन है एक्सल अन है इसको आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं इक्वेशन वन नाम दे रहा हूं इसको करेक्ट सो so, हमने देखो कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि थ्री पार्ट में डिवाइड करना है प्योरली रजिस्ट्री पार्ट सेकेंड पार्ट है कॉइल एंड थर्ड पार्ट है टोटल सर्किट थ्री वोल्टेजेस है थ्री करंट है थ्री इंपीडेंसेस सो थ्री इंपीडेंसेस में से फर्स्ट इंपीडेंस हमने कंप्लीट किया सेकेंड इंपीडेंस हमने कंप्लीट किया अब थर्ड इंपीडेंस लेंगे टोटल टोटल इंपीडेंस सो टोटल इंपीडेंस टोटल इंपीडेंस जेड टी बार इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस जे एक्स कंप्लीट सर्किट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना कंप्लीट सर्किट में देखो टोटल थ्री कंपोनेंट्स हैं दो रेजिस्टर्स हैं और एक इंडक्टर है अब रेजिस्टर फर्स्ट का फर्स्ट uh, रेजिस्टर जो है उसको मैं कैपिटल आर कंसीडर कर रहा हूं कैपिटल आर सो इसका रियल पार्ट क्या आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल r प्लस jxl अब इसमें ये तो हमें मिल गया रेक्टेंगुलर फॉर्म अब इसका पोलर फॉर्म देखते हैं सो z बार इज इक्वल्स टू जेड टी एंगल फाइव टी ये मिल गया मुझे पोलर फॉर्म अब कुछ लोगों का एक डाउट है वो भी क्लियर करता हूं यहां पर हमने जेड कॉइल बार लिखा जेड टी बार लिखा यहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखा अब ये बार कब लिखना है कब नहीं लिखना है वो कैसे पता चलेगा अगर आपके सर्किट में सिर्फ रियल पार्ट है सिर्फ रियल मीन सिर्फ रेजिस्टर ही है तो वहां पर बार देने की जरूरत नहीं है क्लियर अगर आपके सर्किट में इमेजनेरी पार्ट प्रेजेंट है रियल है रियल है या फिर नहीं है वो जाने दो लेकिन इमेजनेरी प्रेजेंट है तो वहां पर ऊपर बार देना पड़ेगा करेक्ट सो so, यहां पर देखो कॉइल uh, में रियल तो है ही इमेजनेरी भी प्रेजेंट है तो यहां पर ऊपर मैंने बार दिया यहां पर प्योर रेजिस्टिव पार्ट में इमेजनेरी पार्ट है ही नहीं सिर्फ रियल पार्ट है सो so यहां पर जेड आर बार लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट सो so, फॉर्म में देखो जेड टी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्स इमेजनरी पार्ट स्क्सल स्म प्लस एक्सएल स्क्र प्लस स्मॉल आर द होल स्क्स एक्सएल स्क्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट सो इमेज पार्ट इज एक्सएल एंड रियल पार्ट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करेक्ट अब यह सभी में आपको सिर्फ कैपिटल आर का ही वैल्यू पता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला तो इसके आगे हम लोग किसको बुलाएंगे ओम स्लॉ को बुलाएंगे सो ओम्स लॉजिंक ओम्स लॉ जेड टी टू आएगा वी टी अपॉन आई टी वी टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स वोल्ट एंड आई टीवल टू आई टी इज इक्व टू आई आर एंड आई आर इज इक्व टू सो आई टी इज इक्वल टू टू सो वी टी इज थर्टी सिक्स वोल्ट डिवाइड बाय करंट इज टू एम्पियर सो जेड टी इज इक्वल टू कितना आएगा कितनाटीन ओम अब जेड टी का वैल्यू यहां पर लिखो जेड टी सो यह आएगा 18 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अब राइट साइड का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है तो स्कवायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा 18 स्क्वायर राइट साइड ये स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा लेकिन अंदर देखो ना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर सो पर प्लस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे सो फॉर्मूलाएगा करेक्ट इसको मैंने एक्सपांड किया अब कैपिटल आर टेन ओह है So, यहाँ पर क्या यह आएगा एटीन स्क्वायर यहां पर क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन ट्वेंटी स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर ये इक्वेशन हमने देखा है इक्वेशन नंबर वन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर टेन पॉइंट टू स्क्वायर सो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं टेन पॉइंट टू स्क्वायर से नेक्स्ट अब पूरे इक्वेशन में देखो सिर्फ एक ही अन्नो है तो स्मॉल आर कैलकुलेट कर सकते हो स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए टेन स्क्वायर लेफ्ट साइड शिफ्ट करो माइनस ये भी लेफ्ट साइड गया माइनस हो जाएगा एंड ट्वेंटी से फिर डिवाइड करेंगे सो so, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करो न्यूमरेटर में टाइप करना है एटीन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर माइनस टेन पॉइंट टू डिनोमिनेटर में आएगा ट्वेंटी सो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू फाइव पॉइंट नाइन नाइन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू फाइव पॉइंट नाइन नाइन एट नेक्स्ट स्मॉल आर मिल गया तो एक्सेल कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन वन यूज करेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन टेन पॉइंट टू स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है ना करेक्ट सो टेन पॉइंट टू स्क्वायर आर इज फाइव पॉइंट नाइन नाइन एट स्क्वायर प्लस एक्सएल सो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो माइनस हो जाएगा सो टेन पॉइंट टू स्क्वायेर माइनस फाइव पॉइंट नाइन नाइन एट स्क्वायर जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सो आंसर इज 8.25। सो एक्सएल का वैल्यू हमें मिल गया 8.25 पॉइंट चलो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था देखो कैलकुलेट आर एंड एल अब स्मॉल आर तो हमने कैलकुलेट किया है स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना मिला 5.998। पॉइंट एल कैलकुलेट करना है एक्सएल है आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास सो एक्सएल का फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है एक्सेल इज इक्वल्स टू टू पाई एफ एल सो एक्सएल का वैल्यू 8.25 पॉइंट टू फाइव इज इक्वल्स टू टू पाई एफ एफ इज इक्वल्स टू 60 सिक्सटी हर्ट इन टू एल सो एल का वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा 8.25 डिवाइड बाय 2 पाई इनटू 60. सो आंसर इज 0.0218 0.0218 हेनरी ठीक है सो इस क्वेश्चन में देखो आपको आर एंड एल कैलकुलेट करने के लिए बोला था सर्किट डायग्राम दिया था क्वेश्चन में मतलब 50 परसेंट प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो गया फिर उसके बाद देखा कि सीरीज सर्किट है मतलब यहां पर नंबर ऑफ वोल्टेज डिसाइड करेगा कि कैलकुलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है टोटल थ्री वोल्टेजेस है थर्टी सिक्स वोल्ट ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थर्ट सिक्स जो है वो टोटल वोल्टेज है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी पॉइंट फोर ये वोल्टेज ड्रॉप है सो ट्वेंटी वोल्ट जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है एंड ट्वेंटी पॉइंट फोर वोल्ट जो है वो आर एंड एल ये दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है और इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे कॉयल नाम देंगे कॉइल सो so, जब भी आप लोग कॉयल ये वर्ड सुनोगे तो आपके दिमाग में आर एल सर्किट आना चाहिए और कॉल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से क्लियर सो थ्री वोल्टेजेस है थ्री करंट लिए सभी करंट्स का वैल्यू इक्वल है बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट फिर उसके बाद थ्री इंपीडेंसेस लिए अब इंपीडेंस में भी किसके ऊपर बार लिखना है किसके ऊपर बार नहीं लिखना है वो भी हमने डिस्कस किया अगर इंपीडेंस में इमेजनेरी पार्ट प्रेजेंट है दैट इज रिएक्टेंस इज प्रेजेंट है एक्सेल या फिर एक्ससी तब तो वहां पर इंपीडेंस के ऊपर बार देना है अगर इमेजनेरी पार्ट नहीं है सिर्फ रियल पार्ट है सो बार देने की जरूरत नहीं है सो यहां पर देखो सिर्फ रियल पार्ट था तो जेड आर बार हमने नहीं लिखा फिर उसके बाद आई आर हमने कैलकुलेट किया और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आपका कैलकुलेशन अटक जाएगा आपको आगे सॉल्व करने नहीं आएगा तब आप लोग आपके फ्रेंड को बुलाओ दैट इज होम्स लॉ को बुला होम्स लॉ आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सो होम्स लॉ से मैंने आई आर कैलकुलेट किया आई आर इज इक्वल्स टू आई कॉल इज इक्वल्स टू आई टी फिर उसके बाद कॉल इंपीडेंस यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व तो हुआ नहीं लेकिन इक्वेशन भी एक मिल गया देखो आर स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वाज इक्वल टू टेन पॉइंट टू स्क्वायर और फिर उसके बाद हमने टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट किया टोटल इंपीडेंस के बाद हमें स्मॉल आर मिल गया एक्सएल मिल गया एक्सएल के बाद फिर हमने एल कैलकुलेट किया इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मुला यूज किया सो so, ये था आपका फाइनल सोल्यूशन दैट्स इट सो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो एन ए सी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ प्योर रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टिव कॉयल कनेक्टेड इन सीरीज सो यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड कॉल का सीरीज कनेक्शन दिया वर्ड आ गया मतलब यहां पर आर एल कॉम्बिनेशन हो गया स्मॉल आर इज कॉल रेजिस्टेंस एंड एक्सेल इज कॉयल रिएक्टेंस और उसके सीरीज में एक प्योर रेजिस्टेंस भी लेना है सो सर्किट डायग्राम अगर इमेजिन करते हो तो आपको टोटल थ्री कंपोनेंट्स मिलेंगे एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और एक एक्सेल और ये सभी सीरीज कनेक्टेड है द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस एंड इन द कॉयल आर 1000 थाउजेंड वैट्स एंड टू हंड्रेड वैट्स रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में आपको पावर का वैल्यू दिया रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पावर एंड कॉयल के अक्रॉस का पावर लेकिन पावर दिया लेकिन कौन सा पावर दिया एक्टिव दिया है रिएक्टिव दिया है या अपेरेंट दिया है सो so, आपको यूनिट से आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा पावर है वैट यूनिट है मतलब एक्टिव पावर है वी ए आर होता वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव तो वो रिएक्टिव पावर होता एंड वी ए होता वोल्ट एम्पियर तो वो एपरेंट पावर होता सो so, क्वेश्चन में मुझे एक्टिव पावर के वैल्यूज दिए द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कॉयल आर टू हंड्रेड वोल्ट एंड थ्री हंड्रेड वोल्ट रिस्पेक्टिवली सो रेजिस्टेंस एंड कॉयल के अक्रॉस का वोल्टेज दिया है टोटल वोल्टेज का वैल्यू दिया नहीं है नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर नेक्स्ट करंट थ्रू द सर्किट टोटल करंट कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दैट इज स्मॉल आर इम्पिडेंस ऑफ कॉइल जेड कॉइल टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जेड टी एंड सप्लाई वोल्टेज वी टी कैलकुलेट करना है सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्किट एग्राम सर्किट एग्राम तो अभी हमने इमेजिन किया टोटल थ्री कंपोनेंट्स हैं दो रेजिस्टर्स है और एक इंडक्टर है कैपिटल so, आर आ रहा गया फिर उसके बाद स्मॉल आर एंड देन एक्सेल ये स्मॉल आर और एक्सेल जो है इसको हम लोग कॉइल कहते हैं कॉइल सो so, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो होगा वी कॉइल जो इंपिडेंस मिलेगा वो जेड कॉइल होगा जो करंट फ्लो होगा वो आई कॉइल होगा सो so, ये हो गया कॉइल नेक्स्ट दिस इज कैपिटल आर प्योर रेजिस्टेंस। अब प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है 200 हंड्रेड वोल्ट नेक्स्ट कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है 300 हंड्रेड वोल्ट टोटल वोल्टेज इसमें अननोन है Vt। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है नेक्स्ट टोटल करंट ये भी अननोन है सो सो सर्किट डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया यहां पर वोल्टेज से कैल्कुलशन स्टार्ट uh, करेंगे सीरीज सर्किट है मतलब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट है सो सर्किट डायग्राम में देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोल्टेजेस कितना है थ्री वोल्टेजेस है वी आर वी कॉइल वी टी सो थ्री करंट्स आएंगे थ्री इंपीडेंसेस आएंगे सो first vr is equals to 200 volts next v coil is equals to 300 volts and vt ya known hai fir iske baad ir is equals to i coil is equals to it सभी करंट्स इक्वल hai because of series circuit सो टोटल करंट का भी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है थ्री वोल्टेज हो गया थ्री करंट हो गया अब थ्री इंपीडेंस अब थ्री इंपीडेंस का कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में देखो एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या एक्स्ट्रा अब एक्स्ट्रा में कौन आता है वोल्टेज करंट ये दोनों को छोड़ के जो भी वैल्यू आपको दिया है वो एक्स्ट्रा में आता है सो वोल्टेज एंड करंट को छोड़ के देखो ये दो वैल्यूज आपको दिख रहे हैं वन थाउजेंड वैट एंड टू हंड्रेड वैट सो so, ये कौन से वैल्यूज है पावर के वैल्यूज है एक्टिव पावर के वैल्यूज है और कौन सा पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस यस तो इसका मतलब ये पी आर का वैल्यू दिया है पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस इज 1000 थाउजेंड वैट एंड सेकेंड 200 हंड्रेड वैट किसका पावर कंज्यूम्पन है कॉइल का ना सो so, ये मिल गया आपको पी कॉइल इज 200 हंड्रेड वैट यूनिट से हमने डिसाइड किया ये एक्टिव पावर है करके चलो तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा वैल्यूज दिया रहता है तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा वैल्यू से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है एक्स्ट्रा वैल्यू से तो पी आर पी दैट इज एक्टिव पावर एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी आई कॉस फाइव कॉस फाइव और पी आर फर्स्ट पावर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं पी आर तो यहां पर वी आर आएगा आई आर आएगा और फाइ आर आएगा पी आर इज वन थाउजेंड वी आर टू हंड्रेड आई आर अनोन है फाइ आर फाई आर पता है हमें प्योर रेजिस्टिव पार्ट में प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट ये दोनों क्वांटिटीज इन फेज होते हैं इन फेज सो फेज एंगल फाइ आर इज इक्वल टू कितना आएगा जीरो करेक्ट सो फाई आर इज इक्वल टू जीरो because vr and ir are in phase, because vr and ir are in phase, correct. So this point was very interesting and important. स्पूट कर पी आर का वैल्यू है वन थाउजेंड वन थाउजेंड इज इक्वल्स टू वी आर इज टू हंड्रेड इन टू आई आर अनोन एंड कॉस फाइआर फाइ आर इज इक्वल्स टू जीरो सो कॉस जीरो आएगा वो नेक्स्ट कॉस जीरो कितना होता है वन होता है अब 200 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो सो आई आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा डिवाइड बाई टू हंड्रेड आंसर इज फाइव एम्पियर क्लियर एंड आई आर इज इक्वल टू आई कॉल इज इक्वल टू आई टी आई आर इज इक्वल टू आई कॉल इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू फाइव एम्पियर ना चलो अब एक्स्ट्रा में कौन से दो वैल्यूज़ है एक पी है और एक पी कॉइल है पी का कैलकुलेशन करने के बाद हमें करंट का वैल्यू मिल गया सो so, यहां पर देखो करंट थ्रू द सर्किट यस ये वाला केस हमने कंप्लीट किया करंट थ्रू द सर्किट अब इसके बाद पी कॉइल का कैलकुलेशन करते हैं सो पी कॉइल पी कॉइल इज इक्वल्स टू जैसे पी आर इज इक्व टू वी आर आई आर फायर आंसर आ गया तो पी कॉइल इज इक्व टू क्या आएगा वी कॉइल आई कॉइल कॉस फाई कॉइल सो पी कॉइल इज इक्वल टू टू हंड्रेड वी कॉइल इज थ्री हंड्रेड इन टू आई कॉइल अभी तो हमने कैल्क्युलेट किया फाइव कॉस फाइ कॉइल सो यहां पर आपको फाइ कॉइल का आंसर मिलेगा करेक्ट सो फाइकॉइल इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड इंटू फाइव को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो डिनोमिनेटर में जाएगा फिर कॉस को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो कॉस इनवर्स हो जाएगा सो so, कैलकुलेटर में आपको टाइप करना है देखो कॉस इनवर्स न्यूमरेटर में टाइप करेंगे टू हंड्रेड एंड डिनोमिनेटर में टाइप करेंगे थ्री हंड्रेड इंटू फाइव सो आंसर इज एटी टू पॉइंट थर्टी थ्री डिग्री 82.33 डिग्री क्लियर सो ये एक्स्ट्रा वैल्यूज का कैलकुलेशन हमने किया और करंट और फाइक का आंसर मिल गया अब इसके बाद अपना रेगुलर मेथड स्टार्ट करेंगे रेगुलर मेथड मतलब इसके बाद हम लोग इम्पीडेंस का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट इंपीडेंस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव पार्ट सेकेंड इम्पीडेंस ऑफ कॉल एंड थर्ड क्या आएगा इंपीडेंस ऑफ टोटल सर्किट सो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट इंपीडेंस ऑफ प्योर रेजिस्टिव पार्ट इंपिडेंस ऑफ प्योर रेजिस्टिव पार्ट जेड आर इज इक्वल्स टू आर और प्योर रेजिस्टिव मतलब इसमें सिर्फ रियल रियल पार्ट आएगा इमेजनरी पार्ट इसमें है ही नहीं सो so, यहां पर जेड आर बार लिखने की जरूरत है क्या नहीं सिर्फ जेड आर लिखेंगे अगर इमेजनरी पार्ट होता तो हम लोग बार देते हैं सो जेड आर इज इक्वल्स टू आर अब इसके बाद हम लोग ओम्स आर अपॉन आई आर वी आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया है यस टू हंड्रेड वोल्ट आई आर हमने कैलकुलेट किया है फाइव सो टू हंड्रेड अपॉन फाइव टू आर इज इक्वल्स टू ये मिला मुझे फोर्टी ओम सो रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट किया सो so, यहां पर देखो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस पूछा ये भी कंप्लीट हो गया अपना अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया इंपीडेंस ऑफ प्योर रेजिस्टिव पार्ट अब इसके बाद इंपिडेंस ऑफ इंपीडेंस ऑफ कॉइल कॉइल मतलब आर एल कॉम्बिनेशन होता है मीन्स यहां पर रियल पार्ट भी आएगा इमेजनरी पार्ट भी आएगा सो so, यहां पर आपको क्या लिखना है जेड कॉइल बार लिखना है जेड कॉइल बार सो आर प्लस जे एक्स एल रेक्टेंगुलर फॉर्म यह फिर उसके बाद जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू पोलर फॉर्म आएगा इसका जेड कॉयल एंगल फाइव कॉइल करेक्ट, नेक्स्ट लॉ यूज करेंगे तो है सबको जेड कॉल इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्स टू टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इज एक्सएल एंड रियल पार्ट इज आर सो ओम्स लॉ यूज करेंगे

नेक्स्ट अब आपने uh, कैलकुलेट किया है 60 ohms. Phi coil भी पास है, so, इसका आप Z coil bar, लिख सकते हो पोलर फॉर्म मिल गया तो उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो रेक्टेंगुलर में स्मॉल आर तो मिल गया एक्सल मिल गया कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है so, Z coil bar is Z coil 60 फाइव phi coil phi coil is equals to 82.33 थ्री so, सो ये मिल गया पोलर फॉर्म कैलकुलेटर में टाइप करो कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना है 60 एंगल 82.33 इक्वल बटन प्रेस करो जो आंसर मिलेगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही मिलेगा क्लियर सो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखो जेड कॉइल बार इज equals टू मिला एट प्लस जे फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर सिक्स अब ये जो Z क्वाल बार मिला है रेक्टेंगुलर फॉर्म इसको इसके साथ कंपेयर करो ना आपको स्मॉलर इज इक्वल टू मिलेगा एट ओह एंड एक्सएल इज इक्वल टू मिलेगा फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर सिक्स होम क्लियर सो स्मॉल आर मिल गया एक्सेल मिल गया नेक्स्ट अब चेक करते हैं कैलकुलेट क्या करना था रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल स्मॉल यस ये हमने कैलकुलेट किया कॉल जेड कॉइल ये भी हमने कैलकुलेट किया फिर उसके बाद क्या टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड सप्लाई वोल्टेज सो टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करना है सो थर्ड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का टोटल इंपीडेंस बार इज इक्वल टू अब टोटल सर्किट में भी रियल एंड इमेजिनरी दोनों कंपोनेट है आपको जेड के ऊपर बार देना पड़ेगा सो जेड टी बार इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस जे एक्स इसका रियल पार्ट देखो क्या कैपिटल आर एंड स्मॉल आर सो जेड टी बार इज इक्वल टू कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास है यस yes, 40 ओम स्मॉल आर का वैल्यू भी है आपके पास 8 ओम सो फोर्टी प्लस एट प्लस जे एक्सएल का भी वैल्यू है फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर सिक्सो जेड टी बार इज इक्वल टू फोर्टी एट प्लस जे फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर सिक्स ऐसा लिख सकते हो अब ये मिल गया मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म ना इसको मैं पोलार में कन्वर्ट करूंगा पोलार में कन्वर्ट करने के बाद जेड टी एंगल फाइव टी आएगा इसका एंगल पॉजिटिव आएगा क्यों क्योंकि इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है जब भी इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तब उसका एंगल भी पॉजिटिव आता है क्लियर इमेजनरी निगेटिव एंगल भी निगेटिव आएगा सो so, इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं बटन प्रेस किया यही आंसर आएगा अब इसको शिफ्ट टू थ्री इक्वल करो वैल्यू पोलार में कन्वर्ट होगा सो पोलार फॉर्म आएगा इसका 76.41 76.41 एंगल इज 51.08 डिग्री तो ये मिल गया मुझे पोलर फॉर्म दोनों को कंपेयर करेंगे तो Zt इज इक्वल्स टू मिलेगा 76.41 सिक्स ओहम एंड फाइव फेज एंगल इज ऑफ़ 51.08 डिग्री टी हमने यहां पर कैलकुलेट किया सो टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट यस ये भी हमने कंप्लीट किया अब लास्ट बच गया सप्लाई वोल्टेज अब देखो आपके पास टोटल इंपीडेंस है जेड टी टोटल करंट भी है आपके पास आई टी आई टी फाइव एम्पियर अब जेड टी है आई टी है सो वी टी कैलकुलेट करना है ओम्स लॉ यूज करेंगे सो बायूजिंग ओम्स लॉ यूजिंग ओम्स लॉ टी इज इक्वल टू क्या आएगा जेड टी इंटू आई टी जेड टी इज सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर वन इंटू आई टी इज फाइव सो फाइनल आंसर वी टी इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर वन इंटू फाइव आंसर इज थ्री एटी टू पॉइंट जीरो फाइव सो थर्ड केस लास्ट केस भी अपना कंप्लीट हो गया देखो सप्लाई वोल्टेज 382.05 सो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज दिया था पी आर एंड पी काइल तो सबसे पहले हमने पी आर पी का का कैलकुलेशन स्टार्ट किया और फिर उसके बाद अपना रेगुलर मेथड इंपिडेंस का कैलकुलेशन स्टार्ट किया सो so, ये था आपका फाइनल सोल्यूशन दैट्स इट थैंक यू